सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 90s की टॉप 10 सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में और जानने वाले हैं कि 90s के समय में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म किस सुपरस्टार ने दी थी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की न्यूज़ मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 नाम आता है बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर फिल्म साजन का। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त और बॉलीवुड के भाई सलमान खान एक साथ नजर आए थे और इन दोनों का ही साथ दिया था इस फिल्म में ड्रीम गर्ल माधुरी दीक्षित ने। दोस्तों, ये एक लव रोमांटिक फिल्म थी जो कि बॉलीवुड की ऑल टाइम लव स्टोरी फिल्म बन गई थी। बता रहे दोस्तों कि ये फिल्म आई थी 1991 में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 18 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था और 1991 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी में बनी फिल्म दिल का। जी हाँ दोस्तों, 90s की टॉप फिल्मों में शामिल है ये फिल्म। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 18 करोड़ का कलेक्शन किया था और इस फिल्म के गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे। दोस्तों, बता दें कि इस फिल्म को भी 90s के समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म माना जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है बॉलीवुड के सुपरस्टार और अभी तक यंग दिखने वाले अनिल कपूर सर का। जी हाँ दोस्तों, अनिल कपूर सर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी में बनी फिल्म बेटा जो की आई थी 1992 में, दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे यहाँ पर इंद्र कुमार, जिनकी अभी लेटेस्ट फिल्म आई थी टोटल धमाल जो की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो चुकी। बता दें दोस्तों कि बेटा ने उस वक्त पर कमाए थे 23 करोड़ 50 लाख रुपए जो कि 1992 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों, नंबर 7 पर नाम आता है कई लोगों के दिलों पर राज करने वाले गोविंदा सर, चंकी पांडे और कादर खान स्टारर एक्शन कॉमेडी फिल्म आंखें का। जी हाँ दोस्तों, 1993 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी आंखें। दोस्तों, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 25 करोड़ 25 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई की थी और दोस्तों ये इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है बॉलीवुड के सबसे चहेते सुपरस्टार अक्षय कुमार सर, बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह और रवीना टंडन की फिल्म मोहरा का। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजीव रॉय ने और दोस्तों ये फिल्म आई थी 1994 में। बता रहे दोस्तों कि ये फिल्म काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की पहली फिल्म थी जो कि ब्लॉकबस्टर हुई थी। बता रहे दोस्तों कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 26 से 27 करोड़ का कारोबार किया था और ये 1994 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल थी। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है फिल्म दिल तो पागल है का। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म दिल तो पागल है 90s की टॉप फिल्मों में से एक है। दोस्तों, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 72 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और ये उस वक्त पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और 90s में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म है। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है हम साथ साथ है का। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, करिश्मा कपूर, सैफ अली खान, तबू, सोनाली बेंद्रे और मोहनीश बहल की इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सूरज बड़जात्या ने। दोस्तों, ये फिल्म आई थी 1999 में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 81 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की थी और ये 1999 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल थी। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है आमिर खान द्वारा दी गई सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी का। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान और करिश्मा कपूर की जोड़ी में बनी फिल्म राजा हिंदुस्तानी जो कि आई थी 1996 में, दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 87 करोड़ 50 लाख रुपए जो कि 1996 में आई किसी भी फिल्म द्वारा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। बता रहे दोस्तों कि इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था और यह पहली फिल्म थी जिसके अंदर आपको किसिंग सीन सबसे लंबा देखने को मिला होगा। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है सुपरस्टार शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की फिल्म कुछ कुछ होता है का। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर के निर्देशित फिल्म कुछ कुछ होता है जो कि मल्टी स्टारर फिल्म थी। ये फिल्म आई थी 90s के समय में और दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कमाए थे 106 करोड़ 75 लाख रुपए जो कि ग्रॉस कलेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान की जोड़ी साथ में नजर आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड बनाए थे और
1990s की सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्में हैं। इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और काजोल स्टारर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जो कि आई थी 1995 में। दोस्तों ये फिल्म बॉलीवुड की ऑल टाइम बेस्ट रोमांटिक फिल्मों में शामिल है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड बनाए थे। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 126 करोड़ 50 लाख से ज्यादा का कारोबार किया था और यह फिल्म अभी भी मुंबई के एक सिनेमा हॉल में चलती है और इसे आज भी लोग काफी पसंद करते हैं। बता रहे दोस्तों कि यह फिल्म शाहरुख खान के कैरियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है और दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने, जो कि 90s के समय में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई थी। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है बॉलीवुड के सुपरस्टार और बॉक्स ऑफिस किंग कहे जाने वाले सलमान खान और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म हम आपके हैं कौन का। जी हाँ दोस्तों, 90s के समय में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अगर कोई फिल्म है तो वो है हम आपके हैं कौन। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 135 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था और दोस्तों ये फिल्म 90s के समय में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, ये रहती है नंबर 1 पर। और दोस्तों आपको बता दें कि इन सभी फिल्मों में माधुरी दीक्षित की सबसे ज्यादा फिल्में हैं जिन्होंने 90s के समय में सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और दोस्तों इन्हें आज भी पसंद किया जाता है। तो दोस्तों आपके हिसाब से इन सभी फिल्मों में सबसे अच्छी फिल्म कौन सी थी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।